तो ये इंस्टेंट समोसा बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, उसमें आप 1 चम्मच नमक डालना और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके 5 टेबलस्पून तेल के डालना। आपको तो पता ही है कि समोसे के आटे में तेल को अच्छे से एक एक कोने में मिलाना होता है और तभी वो खस्ता बनता है और सही पकता है। तो तेल को अच्छे से मिलाने के बाद फिर आप यहाँ पर पानी डालना, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि पानी आपने ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, 1/2 कप पानी ही इस्तेमाल किया है मैंने 2 कप मैदे के हिसाब से, और थोड़ा थोड़ा करके डाला है। अगर आप सारा पानी एक साथ डाल दोगे तो आपका आटा बहुत नरम बन जाएगा, आपके समोसे बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। आराम आराम से डालना, आटे को अच्छे से मिलाना, तो अभी आप देखो कि काफ़ी सख्त आटा है। तो इसको नरम करने के लिए आप इसको आराम करने के लिए छोड़ देना 1/2 घंटे के लिए। हल्के गीले कपड़े से मैंने कवर किया है और उतनी देर में हमारा आलू का मसाला भी बन जाएगा। आज मैंने समोसे की अंदर की स्टफिंग बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाई है, चलो मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ। आप बस एक कढ़ाई लेना, उसमें थोड़ा तेल डालना और यहाँ पर हींग, जीरा और कुटा हुआ धनिया, ये आप यहाँ पर डालना। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर आपको जीरा और धनिया को अच्छे से भुनना है, यानी कि हल्का सा कलर लेना है, तभी उनका स्वाद आएगा। फिर आप यहाँ पर डालना हरी मिर्चें, मटर और अदरक, और इनको भी आप थोड़ा सा भुन लेना। भुनाई में साथ साथ आप हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल देना, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और एक बढ़िया सा रोस्टेड फ्लेवर भी आएगा आपकी स्टफिंग में। अब आपने यहाँ पर आलू डालने हैं, और आपने कभी सोचा है कि समोसों में आलू को भुना क्यों जाता है? ये इतना जरूरी पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अगर समोसे खस्ता रखने हैं तो उनमें मॉइस्चर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मॉइस्चर निकालने के लिए आप यहाँ पर नमक डालना, मैंने यहाँ पर काला नमक भी इसी टाइम पर डाला है, साथ में गरम मसाला और आमचूर पाउडर और काली मिर्च, ये भी इसी टाइम पर डाला है। और अब अच्छे से इन मसालों को आलू के साथ आपने पकाना है। नमक डालने से आलू अपना मॉइस्चर छोड़ेगा और बहुत सही तरीके से पकेगा। और इस रेसिपी में जो बहुत ज़रूरी बात है ना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे समोसे हैं ना, तो अगर इनमें कोई भी गुठलियाँ रह गई या बड़े बड़े पीसेज रह गए तो ये बांधते वक्त आपके समोसों को फाड़ सकते हैं। तो ध्यान देना कि आपको आलूओं को अच्छे से मैश करना है सिर्फ इस पर्टिकुलर रेसिपी में। अच्छे से जब आप मैश करोगे उतनी देर में आलू भी भुन जाएगा। तो आप फ्रेशली कटा हुआ धनिया डालना और गैस को बंद करके आपकी बढ़िया सी स्टफिंग बनके पूरी तैयार हो जाएगी, है ना, एकदम अमेजिंग दोस्तों। इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं, 10 मिनट में ही हो जाएगा। उतनी देर में मैं आपको आटा दिखाता हूँ। आटा अब एकदम नरम हो चुका है दोस्तों, देखो कितना सॉफ्ट हो चुका है, तो बस हमें यही तो चाहिए। अच्छा, इस रेसिपी में ना आप टोटल 18 के आसपास समोसे बना लोगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आटे को 3 लोइयों में डिवाइड किया है। हर एक लोई में आपको 6 समोसे मिल जाएंगे आराम से, और इनको ना बनाना भी बहुत ईजी है। आप क्या करना कि एक लोई लेना, उसको बेलना अच्छे से, सूखा आटा या तेल बिल्कुल मत लगाना, ऐसे ही बेलना अच्छे से जितना बड़ा हो सके, और थोड़ा पतला ही रखना। फिर आप इसके ऊपर एक प्लेट रखना और प्लेट से सारी साइड्स काट देना, ऐसे आपको एक परफेक्ट सर्कल मिल जाएगा और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब आता है बड़ा ज़रूरी पॉइंट कि आप एक पिज्ज़ा कटर लेना या चाकू लेना और उससे एकदम इवनली कट करना। दोस्तों कोशिश करना कि जो आप कटिंग करो ना हर एक ट्रायंगल की वो इवन हो, जिससे कि आपके समोसे एकदम परफेक्ट और इक्वल बनेंगे, बहुत बढ़िया बनेंगे दोस्तों। ऐसे मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है काट के, और अब मैं आपको इनको बांधना बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि आप एंड में थोड़ा सा पानी लगाना, एकदम एंड में, और इन दोनों को पकड़ कर ऐसे जोड़ लेना। टॉप को पिंच करना मत भूलना, समोसा फटना बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों। देखो ऐसे आपको एक परफेक्ट कोन मिल जाएगा। इस कोन में आपने आलू का मसाला भरना है। हाँ, लेकिन गलती से भी ज्यादा मसाला नहीं भरना, थोड़ा सा ही भरना ताकि हम अच्छे से समोसे को सील कर पाए। बहुत ओवर मसाला भी समोसे में अच्छा नहीं लगता। सील करने के लिए आप यहाँ पर पानी जरूर लगा देना और इसको ऐसे अच्छे से जोड़ देना, और देखो आपको समोसा मिल गया ना। तो अब इस एक्स्ट्रा पार्ट का क्या करें? इसका दोस्तों मैंने बहुत ही अमेजिंग सा डिजाइन बनाया है। देखो, आप एक चाकू लेना और ऐसे 3 लाइंस बना देना, और इसके ऊपर आप पानी लगाना ताकि अच्छे से चिपक जाए, और बस सीधा ही इसको बंद कर देना। एकदम इक्वल बनेगा दोस्तों। अगर आप ट्रायंगल एकदम सही से काटोगे तो आपका हर एक समोसा परफेक्ट बनेगा। ये देखो आप, है ना, दिखने में अमेजिंग। एक बहुत जरूरी बात है जो आप घर पर नहीं करते होगे, लेकिन वो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, और आप एक करछी को ना बीचों बीच जरूर रखना। जब हल्का गर्म तेल हो तभी आप समोसों को डालना, और ज्यादा क्वांटिटी डालना।
धीरे धीरे करके शुरुआत के 5 मिनट समोसों को आपको हमेशा एकदम लो फ्लेम पर पकाना चाहिए। और जैसे ही उनकी सरफेस सेट हो जाती है ना, हल्का रंग चढ़ने लगता है, फिर आप गैस को मीडियम फ्लेम पर करना, जिससे कि इन पे कलर भी आ जाए और सही तरीके से भी पक जाए। जो शुरुआत के 5 मिनट है ना, वो बहुत क्रूशियल है दोस्तों, ध्यान देना। और बस आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप जल्दबाजी में समोसे कभी मत बनाना। ये जब सेकेंड लॉट फ्राई करना होता है तो ये बहुत जरूरी चीज होती है कि आप तेल को ठंडा होने दो। हल्का गर्म तेल होना चाहिए जब दूसरा लॉट डालो, तभी आपके समोसे खस्ता बनेंगे और सही से पकेंगे। तो मैंने भी तेल को पूरी तरीके से ठंडा होने दिया है और फिर ही हल्के गर्म तेल में फिर से ऐसे करछी रखकर समोसों को डाला है, और तब जाके एकदम परफेक्ट समोसा बनकर आएगा दोस्तों। ये देखो आप। यही नहीं, मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। ये देखो, एकदम खस्ता है दोस्तों और एकदम परफेक्टली अच्छे से पका हुआ है। और क्या आप जानते हो कि आप बिना आलूओं को पकाए भी बहुत ही बढ़िया समोसे बना सकते हो इंस्टेंटली, बहुत सारे सच में बना सकते हो दोस्तों। आप ये वाली वीडियो देखना,